सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से निजाम कायम किया था कि सहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, आखिर सहाबा तलवारों के साए में मुतमईन क्यों थे, आखिर सहाबा परेशानियों की जिंदगी में मुतमईन क्यों थे, आखिर सहाबा फाके में मुतमईन क्यों थे। इसलिए कि वो सुबह उठते थे तो उमूर मुस्लिमीन के बारे में सोचते। जानते हैं आप, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था, आज कोई इंसान किसी बड़े के करीब हो जाए तो छोटों का काम करना उसे अच्छा नहीं लगता। मिनिस्टर के कोई करीब हो गया तो जल्दी से छोटे को पूछेगा नहीं, धमकाएगा, डराएगा, न जाने किस किस तरीके से पेश आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, सबसे बड़े के करीब थे सिद्दीक अकबर, हुजूर से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। उस मुस्तफा जाने रहमत के बहुत करीब थे सैयदना सिद्दीक अकबर, सफर में भी साथ में, हजर में भी साथ में। लेकिन कुर्बान जाइए, सिद्दीक अकबर की आदत थी, सुबह होती घर से निकलते, कुछ बच्चियां मोहल्ले में रहती थी, उनको बकरी का दूध दुहने नहीं आता था, सिद्दीक अकबर उनकी बकरियों का दूध दुह करके उन बच्चियों को दे दिया करते थे। उनके घर में कोई बड़ा ऐसा नहीं था जो बकरियों का दूध दुह करके दे सके, सिद्दीक अकबर बकरियों का दूध दे करके दुह करके उसे उन्हें दे दिया करते। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया और सिद्दीक अकबर खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, आप जानते हैं उसके बाद जब सिद्दीक अकबर उसी गली से निकले तो बच्चियों ने कहा, अब तो ये अमीरुल मुमिनीन हो गए, अब तो ये खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, इनसे बकरियों के दूध के दोहने का काम अब नहीं ले सकते, इनको नहीं कहना चाहिए। इतना ये आवाज सिद्दीक अकबर के कानों से टकराई, रुक गए सिद्दीक अकबर, कहा बेटियां बर्तन लाओ। बर्तन मंगवाया, बकरियों का दूध दो करके दे दिया और जवाब में क्या फरमाया, गौर से सुनो। इरशाद फरमाते, बच्चियों खलीफतुल मुस्लिमीन तो अभी बना हूं, गुलाम मुस्तफा तो पहले से हूं, आका का आशिक और आका का खादिम तो पहले से हूं। पता ये चला, ये जज्बा था, खुद सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान का मामूल था, फारूक आजम का मामूल था। जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के घरों में कोई न होता और सहाबा जिहाद में चले जाते, तिजारत के सफर में चले जाते, तो फारूक आजम उनके घरों की बाजार ला करके उनके घरों पर पहुंचाया करते थे। ये उमूर मुस्लिमीन का मामला था। लेकिन अब क्या है, फिक्र हमारी खत्म हो गई, इसलिए दुनिया में कहीं भी मुसलमान मारा जाता है कोई एक टाइम का खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ना उसके गम में शरीक होने के लिए तैयार है, हद तो यह है कि दुआ करने के लिए भी तैयार नहीं। जिस कौम का ऐसा मिजाज बन जाए कि मगरिब की दरियोजा गिरी करते हुए उनकी फिक्र को इस तरह से अपने दामनगीर कर ले, वो कौम जमीन के ऊपर इज्जत के साथ जीने की हकदार नहीं रहती। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।